टिकमगढ़ शहर के देहात थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात शराब कंपनी कर्मचारियों से मारपीट और रुपये छीनने का मामला सामने आया है। रात करीब 1:30 बजे शराब कंपनी कर्मचारियों ने देहात थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। राहुल सेन ने बताया कि सोमवार रात बलदेवगढ़ शराब दुकान से 3 लाख रुपए कैश लेकर कंपनी के दफ्तर में जमा करने जा रहे थे। रास्ते में कटेरा गांव के पास कुछ लोगों ने रास्ता रोका और बोलेरो वाहन में तोड़फोड़ कर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि साथ ही 3 लाख रुपए कैश और 315 बोर लाइसेंसी बंदूक छीन कर ले गए। घटना में शराब कंपनी के 3 लोगों को चोट आई है। देर रात उन्होंने देहात थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। देहात थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टिकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। जी बताइए क्या घटना हुई? महीना से कैश लेके जा रहे हैं जी, दुकान था जी, वो वहाँ से गाड़ी उन्हें ले गए, वो गाँव से हम लोग पैदल निकले थे उन्हें तो एकाएक सीधे आए गाड़ी खड़ी कर दी। हाँ वो खड़ी गाड़ी करी होगी कहीं आए और कहीं जाके जाएंगे। देखो आप क्या लूटा आपके साथ? बंदूक भी 315 ऐसा जो है हमारे साथ लूट पड़ के की आपके साथ पैसा दूसरे लेते हम थोड़ी देते हैं पीछे बैठी थी। कहाँ के रहने वाले हैं? खरगापुर। ये घटना घटी है 4 लोगों के साथ मारपीट की। हाँ। कहाँ की घटना है? करीब 10:30 बज रहे थे। हम लोग नाइट कैश उठा के बलदेवगढ़ मेन ऑफिस जा रहे थे। हेड ऑफिस सेठ जी ने हम लोगों को भेजा था कि कैश उठा लाओ। हम लोग वहाँ से निकले, निकलने के बाद रेलवे पुल के पास कटेरा गाँव में हम लोगों की बलेरो छेंकी। छेंकने के बाद कई लोग आए, हाथापाई की, हमारी बलेरो में टक्कर भी की और हमारे ये साथी हैं जो गनमैन है हमारे साथ, इनकी राइफल छीन के ले गए। 315 लाइसेंस वाली है साथ में, ठीक है। और हम लोगों को मारपीट की, मैं बच के भगा हूँ, इन लोगों के साथ इतनी मारपीट की है। और 3 लाख रुपए कैश, नाइट कैश था वो, हम लोगों से लूट गया। और गाड़ी में कुछ ऐसे मोबाइल वोबाइल पड़े थे वो भी गायब हैं। और जो कुछ मोबाइल मिला है थोड़ा, देखो ये ऐसे फोड़ दिए हैं मोबाइल सारे, हम लोगों के पैसे ऐसे, मेरे भी पैसे थे सारे छिन गए हैं। हमसे लूटपाट हुई है रेलवे पुल के पास कटेरा गाँव में। कौन लोग थे, नाम बताऊंगा? एक का नाम मनोहर लोधी और एक का नाम था परम लोधी। क्या कारण था ये, आप इनको जानते हो क्या? हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग तो अपना काम करके जा रहे थे उसी रास्ते से, डेली जाते हैं उस रास्ते से हम लोग, जब से काम हुआ है जब से जा रहे हैं, अचानक हम लोगों के साथ वारदात हुई है। अच्छा, 2 लोग थे कि और भी लोग आए थे वहाँ पे? गाड़ी जो ओवरटेक करके हम लोगों की बलेरो रोकी गई तो वहाँ पे 2 आदमी थे। उसके बाद उनके जो परिवार को हो, गांव वाले या दोस्तों हो, हम नहीं जानते, उन लोगों ने फिर मारपीट की हम लोगों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल